दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगूट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेंगूट राजवंश ही चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप्स रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस ट्राइब्स के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयां चलती ही रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम येसुई था, और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस समय येसुई एक सफर पर निकला था, उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन भी था। दरअसल येसुई अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तेमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी बोटे उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है, तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तेमुजिन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। तेमुजिन की जिद के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजिन के फादर उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तेमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोटे को अपनी पत्नी चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनकी ट्राइब्स का नियम था। अब तेमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उसे कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। यहाँ से येसुई तेमुजिन और अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी सतर्क थे, क्योंकि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी येसुई के लिए एक कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था और वो लोग समझौता करना चाहते थे। येसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से एक दूध की कटोरी भेजता है। येसुई के आदमी येसुई को खुद वो दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन येसुई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी येसुई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं, तो रास्ते में अचानक ही येसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिलाकर दिया था। तभी तेमुजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि येसुई जो उनका राजा था उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए येसुई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल रहे थे, जिसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता येसुई का अंतिम संस्कार करता है। येसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ें और बकरियां थी, अब वो सब येसुई के सबसे खास सैनिक जिसका नाम टारगुटाई था उसने रख ली थी। ये देखते हुए तेमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढ कर जरूर मारेगा। टारगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर ये बच्चा उसे सच में न मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से नापते थे और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तेमुजिन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है, तो उसकी हाइट कम निकलती है और तेमुजिन अभी बच्चा था, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन टारगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तेमुजिन को मारने जरूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है, तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गॉड टेंगरी उनकी बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे, इसीलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से जमी झील पर टिक जाता है और वो उस झील के अंदर ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ उसकी ही उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमूखा था
उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमूखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमूखा और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को वो दूध पीने को कहते हैं। तेमुजिन वो दूध पी जाता है और अब वो दो नहीं बल्कि तीन भाई बन गए थे। उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टारगुटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है ताकि वो तेमुजिन को जान से मार सके। टारगुटाई के लोग तेमुजिन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, जिस वजह से वो लोग तेमुजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कैद में तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद टारगुटाई फिर से तेमुजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम पर यहाँ बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर उसके फादर ने बताया था। वहाँ वो गॉड टेंगरी से विश मांगता है कि अचानक तेमुजिन को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तेमुजिन अभी भी टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से टारगुटाई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तेमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तेमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन टारगुटाई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजिन टारगुटाई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तेमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे तो टारगुटाई तेमुजिन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था उससे टारगुटाई को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। बोटे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। तेमुजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन इनके ऊपर मर्किट ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तेमुजिन के फादर ने इस मर्किट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा और अब ये लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। बोटे और तेमुजिन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मर्किट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तेमुजिन अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमूखा के पास जाता है। यहाँ जमूखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमूखा तेमुजिन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो तेमुजिन को एक साल का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। समय के साथ साथ एक साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मर्किट ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों मर्किट ट्राइब के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तेमुजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहाँ मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से तेमुजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमूखा के दो लोग ये सब देखते हैं और तेमुजिन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल्स में शुरू से ही ये नियम था
कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जमूखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसकी ट्राइब के दो लोग तेमुजिन की ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में तेमुजिन के आदमी जमूखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमूखा के आदमी बचकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तेमुजिन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग जमूखा के उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमूखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमूखा को इसके बारे में पता चलता है तो वो तेमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था, जिसके लिए जमूखा आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तेमुजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमूखा के पास थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमूखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमूखा तेमुजिन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो तेमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहां सजा के तौर पर तेमुजिन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहां टेंगू डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तेमुजिन को एक जगह बैठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सकें। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, तभी वो तेमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। लेकिन उस राजा के लोग तेमुजिन को खरीदने से उसे मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेमुजिन को खरीद लेता है। इसके बाद तेमुजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सकें और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सकें। यहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंक हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तेमुजिन बुद्धिस्ट मंक के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। लेकिन बुद्धिस्ट मंक एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मर जाता है। वहीं खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए बुद्धिस्ट मंक के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तेमुजिन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर उसे तेमुजिन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोटे यहाँ के सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को यहाँ से भगा लेती है और तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी और भी है। बोटे तेमुजिन को घर ले आती है। यहाँ अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल्स एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल्स के लिए ये चीज एक आम बात है, लेकिन बोटे की इस बात का तेमुजिन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजिन अब डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो तीन नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा, दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1196 को देखते हैं, जहां कई साल पहले तेमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारे ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमूखा ही था। जमूखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजिन जमूखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने के बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमूखा जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ने के बाद तेमुजिन आखिरकार उससे जीत जाता है और जमूखा के साथ उसके कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तेमुजिन जमूखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने के बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन जमूखा की ट्राइब में
उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तेमुजिन की मदद की थी। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तेमुजिन जमुखा के पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि भाई, ये जो अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुखा तेमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार गिराता। दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि तेमुजिन और जमुखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोर्टे को देखते हैं जो तेमुजिन के पास आई हुई थी। तेमुजिन बोर्टे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तेमुजिन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल्स का खान बन गया था, जिसका नाम गेंगिस खान पड़ गया था और उसे एक और नाम से भी जाना जाने लगा था, जो कि था चंगेज खान। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। उसने मॉनेस्ट्री शहर को उस मंक की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस मंक ने तेमुजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं, तो तुम इस मॉनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे और आगे चलकर ये मॉनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।